हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कैथल की कष्ट निवारण समिति की बैठक में दो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। विज ने बैठक में 14 शिकायतें सुनी हैं, जिसमें से 8 शिकायतों को मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। बची 6 शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान किठाना निवासी प्रदीप कुमार ने शिकायत की थी कि उसका गांव के ही व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, लेकिन उसकी FIR दर्ज करने में देरी की गई। इस पर कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ESI भागीरथ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि CM मनोहर लाल ने आदेश दे रखे हैं कि पुलिस को तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करनी है, फिर उन्हें चाहे 0 FIR दर्ज करनी पड़े। विज ने सजुआ निवासी तरसेम की आपसी मारपीट व पुस्तानी मकान पर गैर कानूनी कब्जा करने से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कलायत के SHO अनूप सिंह को सस्पेंड करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मामले के सभी तथ्यों की जानकारी के लिए कैथल के उप मंडलाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक विनोद शंकर तथा समिति के मनोनीत सदस्य सुरेश रावीश को शामिल किया गया। यह समिति सभी पहलुओं की जाँच करके अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि वे गरीब व्यक्ति के साथ हमेशा खड़े रहेंगे तथा किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। डेरा नागल निवासी दिलबाग सिंह ने शिकायत दी थी कि सीवन स्थित ज्योति नर्सिंग कॉलेज द्वारा उसकी लड़के की 12वीं की मार्कशीट गुम कर दी गई। विज ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे संबंधित संस्थान के खिलाफ FIR दर्ज करें तथा संस्थान की लापरवाही से छात्रा के 4 वर्ष का समय खराब होने का मुआवजा भी दिलाया जाए। छुपाने के लिए नेक्स्ट में अगर वो आएगा फरियादी तो मैं पूरी तरह से मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तो कर दिया मैंने। अनिल विज ने आज तक कभी मेरी गाड़ी में बैक गियर नहीं है, सुन ले मेरी बात, और ना मुझे उल्टी गाड़ी चलानी आती है। मैंने सोच समझ के करा, बिल्कुल ठीक करा। तूने कोताही की है, वो उसमें कोई लिहाज नहीं। ना You are even trying to misguide me. आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो कि कोर्ट में केस है, जबकि मार पिटाई का कोर्ट में कोई केस नहीं है, ठीक है ना? आप यू आर ट्राइंग टू मिसलीड मी आल्सो। मैं उसका भी आपके ऊपर कर सकता हूँ भाई। तेरे पास कंप्लेंट आई, तूने यू हैव नॉट टेकन एनी कॉग्निजेंस। जिस वक्त भी आई, पुलिस अफसर का काम है उसी वक्त उसको लिखे और उसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाए। वो नहीं था, मैंने मान ली, लेकिन जब ये एजेंडा सर्कुलेट हुआ तब तो आई तेरे पास, तूने पढ़ा उसको, पढ़ के कार्रवाई करी उसकी, नहीं तो जा गए अस्पताल में, और गए अस्पताल से निकल आई कल को। बोलने दोगे तो ना अंदर तो आने नहीं देते, मेरी बात सुन, बोलने दोगे गरीब आदमी को तो ना तो जी 4 नंबर कार्रवाई जो तुम्हारे सामने है, 14 की 14 आइटमें हमने डील की है, कुछ में कोताही पाई गई है, उनमें कार्रवाई की गई है। सस्पेंड 2।